उतना उतनी बगावत हो। Hey guys, good morning. Welcome to the vlog. तो आप सब कैसे हैं? ऐसा आप लोग ठीक होंगे। तो अभी मॉर्निंग हो गया है और अभी हम जा रहे हैं जस्ट स्केटिंग करने। तो क्या आज प्लान नहीं था स्केटिंग करने का मॉर्निंग, लेकिन आज थर्सडे तो थोड़ा पार्क छुट्टी होता है, पार्क ऐसे बंद रहता है, तो पार्क बंद रहता है तो इसलिए सोचे कि चलो आज आ रहे हैं स्केटिंग करते हैं। तो एक ब्रदर हैं जो मेरे साथ हरदम आ रहे हैं स्केटिंग करते हैं, तो उन्हीं को कॉल किए तो बोले कि हाँ बस 10 से 15 मिनट में जैन कॉलेज आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे जैन कॉलेज, वहीं पे स्केटिंग लगाएंगे और फिर वहाँ से हो सकता है रमना मैदान, और रमना मैदान से कैंटीन जाना है। हाँ याद नहीं था, अभी कैंटीन जाने का भी प्लान हो गया है। और अभी सुबह का मौसम बहुत मस्त मौसम, मतलब सुबह में स्केटिंग करने में मज़ा आया। तो है गाइस, अभी हम आरा जंक्शन आ गए, अब चलते हैं यहाँ से जैन कॉलेज के गेट के पास, वहाँ हम लोग स्केटिंग पहनते हैं। गाइस तो अभी ब्रदर आ गए हैं, अब हम लोग स्केटिंग लगाने वाले हैं। तो है गाइस, सर स्केटिंग पहन के अभी ऐसे थोड़ा सा अभी नॉर्मल वॉकिंग हो रहा है, उसके बाद वार्म अप कर रहे हैं, उसके बाद अभी कुछ देर में ऐसे रेस स्टार्ट हो रहा है, तभी हम लोग वार्म अप ही कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कतिरा। और आई लव भोजपुर। अब यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे। अभी होटल के साइड चल रहे हैं हनुमान मंदिर होते हुए। तैनू पताया पसंद मैनू चॉकलेट। और महंत महिला कॉलेज अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और फिर द पार्क होटल, सो द पार्क, और यहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। चश्मा सेंटर मीमोज की ओर से होकर अभी नौदा लाइन में ऐसे जा रहे हैं। तो अभी वैसे हम लोग सदर हॉस्पिटल साइड आ गए हैं ना, मस्त से। अभी हम लोग ऐसे नागरमल आ गए हैं और ऐसे रोड पे चलते चलते नागरमल मस्त पूरे आ रहा है, स्केटिंग करना है। स्केटिंग करते करते आयरन दे भी आ गए हैं। ठीक है, तो आयरन माता के दर्शन करके हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से। जैसे रेसिंग वाली वही स्केटिंग कर, वही स्केटिंग करके हाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं आप। इससे गाइस तो अभी हम लोग आयरन देवी माता के दर्शन करके निकल गए हैं और अब फिर से जा रहे हैं रमना मैदान कैंटीन में अब। और सब लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि आयरन में तो पहला बार मैं ही जो स्केटिंग कर रहा हूँ, अभी सब लोग मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहे हैं। तो है गाइस, जैसे हम लोग अभी महाराजा कॉलेज आ गए, महाराजा कॉलेज के रूट से होते हुए अभी हम लोग कैंटीन जाने वाले हैं। तो ब्रदर से बोले कि चलो गन्ना के जूस पीते हैं, तो फिर हम लोग आ गए गन्ना के जूस पीने। के बाद अब हम लोग चलते हैं कैंटीन। बार बार अभी कुछ कुछ बीच में प्लान हो जा रहा है, इसलिए कैंटीन ही चलेंगे डायरेक्ट। गाइस तो आरा कैंटीन आ गए हम। तो सबसे पहले कोई आरा कैंटीन में जाता है तो सबसे पहले देखता है कि सामान क्या क्या है। तो ऐसा सामान जो कुकर लेना था 5 लीटर वाला, तो ऐसा सामान था नहीं, तो फिर हम प्लान करते हैं चलने के लिए। गाइस तो हम लोग अभी आरा कैंटीन आ गए हैं, अब आरा कैंटीन से चलते हैं घर, क्योंकि सामान जो लेना था वो है नहीं यहाँ पे, तो चलते हैं घर। हम लोग कैंटीन से बाहर निकल गए हैं, अब जा रहे हैं घर की ओर। जैक्सन पे ऐसे सूज ओपन कर दी और उसके बाद अब घर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग स्केटिंग करने के बाद अब जा रहे हैं घर पे, और जा रहे हैं अपने जगदेव नगर
तो चलते हैं, बाय बाय। शाम का वक्त हो गया अब और जा रहे हैं रमना मैदान, आज एक गेम होने वाला है तो एक कॉल है कि हाँ आ जाओ, तो अभी पैदल जा रहे हैं कुछ देर, ऐसे मैं रास्ते में आ रहा बाइक से, फिर हम लोग जाएंगे। ऐसा तो मन था स्केटिंग से ही जाने का रमना मैदान, लेकिन फिर मैं बोला कि नहीं चलो बाइक से चलते हैं, तो फिर आज हम लोग का प्लान बन गया बाइक से चलने के लिए, तो हम लोग चलते हैं रमना मैदान। मेरे को मन नहीं है खेलने का, लेकिन ऐसे हम अपना रिस्ट बैंड ले लिए हैं, अगर नहीं भी खेलेंगे तो फिर अपना जिमनास्ट प्रैक्टिस करेंगे अपने से, क्योंकि क्लास अभी बंद कर देंगे क्योंकि बहुत धूप है, धूप में जाना मुश्किल इम्पॉसिबल हो गया है। तो अभी हम चलते हैं रमना। हे गाइस, अभी हमारे साथ चिराग रास्ते में मिल गया, अभी हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, देखिए। और ये चिराग का साइकिल है, दिखाओ साइकिल अपना। हाय गाइस, मेरा साइकिल है आज, अभी हम लोग जा रहे हैं मठिया तक, फिर कैसे स्टेशन तक छोड़ने आया, अब स्टेशन से घर जाएगा। जा रहे हैं ऐसे रमना मैदान, गेम का प्लान हो रहा है, तो अभी हम लोग ऐसे स्टेडियम आ गए हैं और थोड़ा सा सिकंजी पीने का मन कर रहा है, ले लेते हैं सिकंजी। तो अभी हम लोग जलजीरा लेके ऐसे चल रहे हैं अभी स्टेडियम के अंदर, क्योंकि आज मैच होने वाला है और पहले से ही रेडी हो रहा है मयंक एकदम ठंडा वंडा मार कर। तो अब गेम खत्म होने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। गाइस, तो रात के बज गए 11 और कब से आईपीएल चल रहा था, तो आज आरसीबी का मैच था, तो जिस दिन आरसीबी का ऐसा मैच होता है तो भाई हम तो टीवी से हटते नहीं है, तो आज फुल और पूरा मैच आरसीबी का हम देखें, और आज आरसीबी 35 रन से जीत गया, तो जिस दिन ऐसे आरसीबी जीतता है उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ऐसे अभी तक तो हम आरसीबी की टीम को सपोर्ट करते आते हैं और करेंगे, क्योंकि विराट कोहली भाई एक अपना है, तो ऐसा बस अच्छा लग रहा है। रात के बज गए हैं 11 और वीडियो एडिटिंग करना है तो ब्लॉग इन करते हैं, आप कमेंट करके बताना स्केटिंग वीडियो का लगा और लास्ट वॉलीबॉल वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। ओके बाय।